स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स का तीसरा थ्योरी आज देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं नौकरशाही का सिद्धांत। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक वर्ड कहाँ से आया, तो दो वर्ड से आया है। पहला है फ्रेंच वर्ड ब्यूरो, उसका मतलब होता है डेस्क या फिर ऑफिस, और दूसरा ग्रीक वर्ड से क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब रूल्स या फिर रूल या फिर पॉलिटिकल पावर होता है। ठीक है, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक किसको कहा जाता है, तो मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का पूरा नाम क्या है, मैक्सिलियन कार्ल मिली वेबर। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 21 अप्रैल 1864, और डेट ऑफ डेथ क्या है, 14 जून 1920। ठीक है, देख लेते हैं ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है। ठीक है, अ स्पेसिफिक वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अरेंज इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। ठीक है, देख लेते हैं, इज़ द वे, मतलब ब्यूरोक्रेटिक इज़ द वे टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू स्ट्रक्चर इट इन टू अ रिजिड हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अवॉइड दिस थ्योरी अवॉइड नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। है ना, तो ये क्वेश्चन आता भी है बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन सी थ्योरी है जिनमें कहा गया है कि, मतलब जिनमें नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को अवॉइड करा गया है। ठीक है, तो ये है ब्यूरोक्रेटिक की थ्योरी है जिसमें नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को अवॉइड करा गया है। ठीक है, मैक्स वेबर की बुक देख लेते हैं। मैक्स वेबर की बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था, 1920 में आया था। ठीक है, 1920 में ये बुक आया था, इसी बुक में ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को दिया है। ठीक है, इसी बुक में इसका जिक्र है। ठीक है, और 1920 में इनका डेथ भी हुआ। ठीक है, ये रहा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का थोड़ा सा डिटेल, और इसके प्रिंसिपल भी है, चार पांच प्रिंसिपल, पांच प्रिंसिपल हैं। तो फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।